नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पता है, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। जिंदगी में कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो आपका ये समय जो है बड़ा ही संघर्ष से भरा हुआ है। आप अपनी पढ़ाई करते रहें और आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। अब अबनॉर्मल मॉलिकुलर मास से मतलब क्या है? देखिए, यह एक वर्ड है, अबनॉर्मल, नॉर्मल से डिफरेंट। अब मॉलिकुलर मास किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल में होता है, जो रियल में मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वो और एक मॉलिक्यूलर मास जो हम कोरिलेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं। जैसे देखिए, आपके पास याद कीजिए डेल्टा टी बी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, डेल्टा टी बी के बी इंटू एम। यहां जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इससे आप सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे एम बी, आपको फॉर्मूला याद भी होगा, देखिए के बी डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी जो आपके पास है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने किससे निकाला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला। अब यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास हमने इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व किया है, यह मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट आता है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसकी डेफिनेशन याद करना कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड बाय एनी वन ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फाइंड टू बी डिफरेंट देन इट्स एक्चुअल वैल्यू, देन मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ये ऐसा होता क्यों है? इसके दो कारण है। एक कारण इसका है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन याद रखना, डिसोसिएशन। आपने जो सॉल्यूट मिलाया है वो अगर आपने इसमें टूट जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, साल्ट NaCl, इसको आपने डिसोल्व किया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहां पर इसका एक पार्टिकल है और यहां पर पार्टिकल कितने हो गए, दो हो गए। तो हमें पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो सॉल्यूशन के अंदर NaCl के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो डिफरेंट आता है और उसको बोलते हैं अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ऐसा ही एग्जाम्पल लिखिए MgCl2, आप देख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो यहां पर भी पार्टिकल क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई है वो डिफरेंट है। तो याद रखना, किसी भी सॉल्यूट का अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट आता है। दूसरा रीजन इसका हो सकता है एसोसिएशन, दूसरा इसका एसोसिएशन, जुड़ जाना। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया, 2A पार्टिकल बनाए और वो डायमंड बन गया, A2 बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। एग्जांपल याद कीजिए, जैसे आपके पास है C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड होता है उसमें डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइमर। एग्जांपल आप इसका लिख सकते हैं, देखिए RCOOH, यहां से आपका RCOH, यहां से ये देखिए, ये जो आपका जो आर है, कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है, जैसे आपने C6H5 लगा दिया, इसको बोलेंगे आप डाइमर। क्या बोलेंगे, डाइमर। तो डाइमर बनने से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम हो गए, और इस वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, या फिर मॉलिक्यूलर मास वो भी डिफरेंट आएगा, तो इसको बोलेंगे आप एसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन आर द रीजन
बाई विच अबनॉर्मल मॉलिक्यूल मास इज ऑब्टेन्ड। अब आता है कि इसको हम निकालते कैसे हैं। तो साइंटिस्ट था हमारा, इसका नाम था वांट होफ फैक्टर आई, एक साइंटिस्ट था वांट होफ फैक्टर। उसने हमें बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अबनॉर्मल मॉलिक्यूल मास कितना है और कैसे उसको आप फाइंड आउट करते हैं। देखिए आई की वैल्यू जो होती है याद रखना, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं नॉर्मल। और यहां पर जो रहेगा आपका आई इज इक्वल टू एम सी बाय एम ओ, ये जो आपके पास आ गया है याद रखना। यहां पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम सी क्या है और एम ओ क्या है। एम ओ का मतलब है ऑब्जर्व जो आपने निकाला किसे, कोरिलेटिव प्रॉपर्टी से, और एम जो है वो उसका जो एक्चुअल में है वो, याद रखना इसको, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये तो था मॉलिक्यूलर मास के अंदर, और अगर आप इसको निकालते हैं इसमें कोरिलेटिव प्रॉपर्टी में तो उल्टा हो जाएगा, याद रखना। ऑब्जर्व कोरिलेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोरिलेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कोरिलेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स हो जाती है। अब यहां जहां पर देखिए आप एम जो है वो इनवर्स है डेल्टा टी वी का, इसलिए आप ये कहेंगे जो आई है आई कोरिलेटिव प्रॉपर्टी के केस में इनवर्स हो जाएगा। ऊपर आपका आएगी ऑब्जर्व, नीचे कैलकुलेटेड, और मॉलिक्यूलर मास अगर ऊपर होता है ऊपर एम सी नीचे एम ओ, ऊपर कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व। अब ये जो है कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कोरिलेटिव प्रॉपर्टी को, उसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो आपके पास है डेल्टा टी बी, अगर आप निकालते हैं तो यहां पर आपका आई के बी एम एम मोलिटी डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, तो यहां पर भी आप के एफ लगा देंगे आई लगा देंगे आपके डेल्टा पाई जो होगा आपके पास सॉरी पाई आई सी आर टी, ऐसे ही आपका डेल्टा पी अपॉन पी डिप्रेशन इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, यहां पर भी आपका रहेगा आई एक्स बी। तो कहीं पर भी साइड जो है वो अगर डिसोसिएट या एसोसिएट होता है वहां पर आपको आई का याद रखना है। ये उस केस में जब वो कंप्लीटली हो जाता है पार्शियल हो जाता है। अब अगर पार्शियल होता है तो यहां पर आपको निकालना पड़ता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पर दो बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई पार्टिकल है 100% अगर हो जाता है तो जितने भी आयन से वो निकलते हैं, और अगर 100% नहीं होता है तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है निकालना पड़ता है। और अल्फा का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे आई माइनस वन एन माइनस वन, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। न्यूमेरिकल्स में सीबीएसई बोर्ड में या कॉम्पिटिशन में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उस केस में जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते है। दूसरा आपके पास आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहां पर भी आप इसको अल्फा रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर अल्फा क्या होगा, यहां पर क्या होता है जो आयंस हैं वो कम हो जाते हैं। अब एग्जांपल दिया था आपको मैंने बेन जोइक एसिड का, जहां पर डाइमर बन सकता है, ट्राइमर बन सकता है, टेट्रामर बन सकता है। तो यहां पर जो आई रहेगा ना आपके पास अल्फा जो रहेगा वो याद रखना आई वन माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस वन। तो ये जो आपके पास है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आएगा, मोस्टली कंपटीशन में। जो एन आपके पास है, एन आपके पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे पहले, और यहां पर जो एन है नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएट होने के बाद बने हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद करना है, ये कॉन्सेप्ट याद करना है, इसके ऊपर बेस्ड
क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल सकता है, आईआईटी जेईई में मिल सकता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप इसको याद करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में दिखाए थे, वो आप जरूर करके देखें, प्रैक्टिस करें। इसके ऊपर सोल्यूशन का जो चैप्टर है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट में और आईआईटी के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आई होप कि यू हैव कवर्ड कंप्लीटली सोल्यूशन का चैप्टर, एंड थैंक यू। स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।